हाय फ्रेंड, अभी मेरे पास जियो का F10Q मॉडल है और इसका जो हार्ड रीसेट है ये थोड़ा सा टफ है। आप इसको इजी नहीं कर पाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, वॉल्यूम अप डाउन की और पावर की को एक साथ प्रेस करके रखिए। जब भी ऑन होता है तो आप पावर की को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपके डिस्प्ले में चाइनीज़ लैंग्वेज में आ जाएगा जो कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए आप नीचे का की वर्क नहीं करेगा। राइट साइड में जो की है इसको आपको प्रेस करना है और बिल्कुल कोने पे इसमें आना है। उसके बाद देखिए आपका जो मिडिल की है इसमें आपको ओके करना है, तो डिस्प्ले पे जो है चार ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी आपको फिर से राइट की को प्रेस करके नीचे वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, अब देखिए राइट साइड में कोने का जो ऑप्शन है और ये ऑप्शन इसका कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, उसके बाद आपको मिडिल का की फिर से प्रेस करना है। अब देखिए इसका जो कलर है ये बिल्कुल इसमें सेम आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, राइट साइड में जो ओके की है इसमें आपको क्लिक करना है, तो ये जो फ़ोन है ये हार्ड रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें F10Q में अगर कोई भी पासवर्ड लॉक या ऑटो अपडेट एक प्रॉब्लम आता है तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको सॉफ्टवेयर यानी कि फ्लैशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको हार्ड रीसेट कर सकते हो और इसका जो हार्ड रीसेट प्रोसेस है मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हार्ड रीसेट होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका जो हार्ड रीसेट है वो कंप्लीट हो गया। अभी इसका जो सेटअप है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से F10Q मॉडल का आप हार्ड रीसेट इजी कर सकते हैं।